वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम हमद से मैं हूं बशीर। सो गाइस, कल का मैच फिर से इंडिया जीत गया। ये तो अब एक आम सी बात हो गई है कि जो बड़ी टीम के साथ इंडिया खेले या किसी भी टीम के साथ इंडिया खेले, इंडिया की जीत होती है। कल इंडिया की बी टीम गई, बी टीम ही खेली है लगभग, देखा जाए मेन प्लेयर नहीं थे, ना बुमराह था, ना पंत भी नहीं था ना भाई। पंत भी नहीं थे ना, ऋषभ वो भी नहीं थे, कोहली भी नहीं थे, रोहित शर्मा भी नहीं थे, मतलब मेन जो खिलाड़ी थे वो थे ही नहीं। शिखर धवन सर की लीड में, मतलब वेस्ट इंडीज से पहला जो ओडीआई है वो इंडिया बहुत मतलब आखिर पे थोड़ा टफ हो गया था लेकिन जीत गया। हाँ भाई, 97 रन। मुझे ज्यादा दुख इस बात का कि शिखर धवन उनकी सेंचुरी रह गई। हाँ भाई, और शुभम गिल ने भी अच्छा खेला। हाँ, उसको आज उसी आपको उस जीत की पहले सबसे पहले तो मुबारक हो। अब उसी के ऊपर बहुआ सर की वीडियो लेकर आए हैं, पहले वीडियो देखते हैं उसी के बाद बाकी बातें करते हैं। तो काउंटडाउन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। देखो, बचपन में पढ़ा था जो सोवत है वो खोवत है, और कल देख भी लिया जो लोग सो गए होंगे एक थ्रिलर मैच खो गए होंगे। भाई साहब नमस्ते, मैं बहुआ। नमस्कार, जय हिंद। मैं रौनक इंडिया वेस्ट इंडीज स्पेशल रणतंत्र देख रहे हैं। और विराट कोहली की बातें तो हम लोग खूब करते हैं, लगभग 3 साल हो गए उनको सेंचुरी लगाए हुए। जब भी वो आउट होते हैं पूरे देश में मायूसी छा जाती है, लेकिन इन सबके बीच धवन की बात कौन करेगा भैया। मतलब कोहली के खराब फॉर्म के सामने हमने शिखर धवन की खराब फॉर्म को वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे रणवीर सिंह ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट में कपड़ों को इग्नोर किया हुआ। हाँ, दीपिका पादुकोण कहीं बाहर गई हुई हैं अपने सारे कपड़े लेकर, तभी रणवीर के पास पहनने को कुछ नहीं था। ये क्या है? खैर, धवन पे वापस आते हैं। उनके बारे में बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक वक्त पर धवन का क्या दौर था भाई साहब। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान थे, टीम इंडिया के व्हाइट बॉल में जान थे, और टेस्ट क्रिकेट में जैसे उनको मौका मिला उन्होंने अपने डेब्यू पर फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लेकिन वक्त का पहिया तो घूमता ही है। शिखर धवन ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पोजीशन मयंक अग्रवाल के हाथों गंवा दी, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप तक शिखर धवन दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भारत के फर्स्ट चॉइस ओपनर थे। हालांकि फिर टी20 क्रिकेट में भी पहले केएल राहुल ने और अब ईशान किशन ने महफिल लूट रखी है, यानी बचा सिर्फ वनडे। पर आपको बता दें कि वनडे में भी शिखर धवन पिछली 20 पारियों में लगभग 3 साल से शतक नहीं मार पाए हैं, और यहां पर भी उनकी जगह केएल राहुल कंसीडर किए जा रहे थे। और जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि वेस्ट इंडीज सीरीज शिखर धवन के लिए आखिरी मौका साबित हो सकती है, और शिखर धवन ने बिल्कुल मिल्खा सिंह की तरह कहा खेलूंगा भी वैसे ही। तो मैच शुरू हुआ, धवन टॉस हारे, वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बताया कि उनकी तरफ से जेसन होल्डर नहीं खेल रहे। हमारी तरफ से सर रविंद्र जडेजा पहले 2 वनडे मैचों में चोट की वजह से हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पहले खेलने उतरी धवन और शुभमन गिल की नई जोड़ी ने धमाकेदार आगाज किया, और धमाकेदार आगाज तो हमारे क्रिको चैनल ने भी कर दिया है। अगर आपने अब तक हमारा ये लेटेस्ट क्रिकेट वाला मस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, फुल मजा आएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है क्रिको का, या फिर यूट्यूब पे जाके CRICO टाइप करो, क्रिको को सब्सक्राइब करो। आगे बढ़ते, धवन और शुभमन गिल की जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत करी। आईपीएल फाइनल के बाद शुभमन गिल कल पहली बार हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं से स्टार्ट की जहां से उन्होंने आईपीएल फाइनल में छोड़ी थी। टीम इंडिया में वापसी का जश्न उन्होंने एकदम शानदार अंदाज में मनाया और 53 गेंदों में 64 की बेहतरीन पारी खेलकर 119 की ओपनिंग पार्टनरशिप कर डाली। वेस्ट इंडीज का कोई भी गेंदबाज विकेट लेने का मूड में नहीं लग रहा था, इसलिए उनके फील्डर्स को विकेट लेना पड़ा और शुभमन रन आउट होकर पवेलियन वापस पहुंच गए। लेकिन कल हीरो रहे धवन, जितना भी प्रेशर उनके ऊपर था उन्होंने उस प्रेशर को कुकर में डाला और 13 सीटी लगा दी। 13 बाउंड्रीज लगाई और उन बाउंड्रीज पर सीटियां बटोरी और एक बेहतरीन 97 शुरुआत उनके इंस्टा रील्स की तरह और शानदार हो जाती। लेकिन चलिए, अभी 2 वनडे बाकी, धवन भैया उसमें तोड़ देना भाई साहब। खैर, धवन के अलावा नंबर 3 पर खेलने आए श्रेयस अय्यर भी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दिए। खराब फॉर्म से वापसी करते हुए उन्होंने भी एक जबरदस्त हाफ सेंचुरी लगा दी। पहले 3 बल्लेबाजों को खेलते हुए देखकर लग रहा था कि या तो पिच बेहतर है या फिर वेस्ट इंडीज वाले गेंदबाजी करना भूल गए। ऐसा लग रहा था कि 350 तो कहीं नहीं गए, लेकिन शायद हमारी खुद की नजर हमारी टीम को लग गई। इन तीनों के अलावा बाकी कोई बल्लेबाज टिक ही नहीं पाया। ऐसा समझ लो कि पहले 3 बल्लेबाज केसरिया थे और बाकी के लव स्टोरियां सूर्या और संजू पारी फिनिश करने में नाकाम रहे, जबकि हुडा की पारी को देखकर लगा कि इंग्लैंड से वेस्टइंडीज कोई दूसरा ही दीपक हुडा बल्लेबाजी करने चला गया क्या। दीपक हुडा 32 गेंदों में सिर्फ 27 रन बना पाए, वो भी डेथ ओवर में। उनके बल्ले से सिर्फ 1 चौका और 1 छक्का आया। एक वक्त पर 350 के सपने देख रही टीम इंडिया का 300 पार करना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन आखिरी 3 ओवर में 36 रन आने की वजह से वेस्टइंडीज को 309 का टारगेट मिला।
दूसरी इनिंग शुरू होते होते रात के 11:30 बज चुके थे। इस वक्त तक कई भारतीय क्रिकेट फैंस ने तो अपने टीवी बंद करके एसी और कूलर ऑन कर लिया होगा, लेकिन वेस्टइंडीज वाले भी टीवी बंद करके काम धंधे पर निकल गए। उसकी एक वजह यह है कि पिछले कुछ मैचों में वेस्टइंडीज की टीम कुल मिलाकर 50 ओवर भी नहीं खेल पा रही थी, और अगर वो नहीं खेल पाती 50 ओवर तो टारगेट पूरा कैसे होता भाई, ये समस्या है क्या बोलने का। दूसरी वजह यह कि पोर्ट ऑफ स्पेन के इस मैदान पर कभी भी 300 के ऊपर का टारगेट सक्सेसफुली चेज नहीं हुआ था। ऐसे में वेस्टइंडीज वालों को पहला झटका तो तभी लगा जब वनडे में उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज शे हो 5वें ही ओवर में मोहम्मद सिराज को अपना विकेट दे दिया। लेकिन दूसरे विकेट के लिए काइल मेयर्स और शामरा ब्रुक्स ने हमारे बॉलर्स को उतना ही परेशान किया जितना कल सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद रिश्तेदारों ने बच्चों को परेशान किया होगा। मैं कहां हूं बहन, रिजल्ट से याद आया, जिनका बढ़िया आया है बहुत बहुत बधाई, इंस्टा पे डीएम करके मुझसे एड्रेस पूछ लो, मैं भेज दूंगा मिठाई घर भिजवा दे, समझे। और जिनका अच्छा नहीं आया दोस्तों, रत्ती भर परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब आप जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे ना तब आपके नंबर कोई नहीं पूछेगा। क्या लाइन है बउआ भाई। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा पे हमको टैग करना मत भूलना, ठीक है। अब देखो कल जब वेस्टइंडीज वालों ने दूसरे विकेट के लिए 117 की पार्टनरशिप कर ली थी और इंडिया वालों को विकेट चाहिए थी, तो शिखर धवन ने गेंदबाजों से 10वीं का नंबर थोड़ी ना पूछा और उन्हें गेंदबाजी दी, उन्होंने तो बॉल दे दी शार्दुल ठाकुर को, और लॉर्ड तो भैया लॉर्ड है, बिल्कुल क्राइम मास्टर गोगो की तरह जब आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। पहले उन्होंने ब्रुक्स को 46 के निजी स्कोर पर आउट किया और फिर अगले ओवर में मेयर्स की 75 रन की शानदार पारी भी खत्म कर डाली। ये ब्रेक थ्रू मिलने के बाद भी विकेट गिरने जारी रहे, लेकिन वेस्टइंडीज ने रन बनाने नहीं छोड़े। 252 पर वेस्टइंडीज के 6 विकेट गिर गए थे और सारे स्पेशलिस्ट बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। रिक्वायर्ड 100 भी 10 के ऊपर था, लेकिन रोमानियो शेफर्ड ने इसके बाद मिलकर अकील हुसैन के साथ जो पार्टनरशिप करी है उसे ही हीरो नंबर 1 की हीरोइन कहा जाता है, मतलब करिश्मा, तो मतलब उसे ही करिश्मा कहा जाता है। एक बार को तो हमें लग रहा था कि वेस्टइंडीज शायद एक बार फिर पूरे 50 ओवर न खेल पाए, लेकिन रोमानियो शेफर्ड ने अकील हुसैन के साथ मिलकर रात के 3 बजे भी मजे दिला दिए भाई साहब। भारत की इन एक्सपीरियंस गेंदबाजी लाइनअप का भरपूर फायदा उठाते हुए शेफर्ड ने 49 ओवर में था ना भाई, इस तरह को फूट दिया और मैच को आखिरी ओवर तक ले गए, जहां वेस्टइंडीज को जीतने के लिए 15 रन स्कोर चाहिए। अगर कोशिश के नंबर मिलते ना भाई साहब तो वेस्टइंडीज ने मैच जीत लिया था। आखिरी बॉल पर 5 रन की जरूरत थी, लेकिन सिराज ने शानदार यॉर्कर मारकर पहले वनडे में भारत को 3 रनों से जीत दिला ही डाली भाई। दूसरा वनडे कल शाम को खेला जाएगा और पहले मैच के बाद ये बात तो क्लियर हो गई है कि भाई साहब सीरीज में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन जरा कमेंट करके ये बताना कि वीडियो आप देख कहां से, क्या आपने भी पहले मैच के मजे लूटे या फिर नहीं भैया हम तो एसी पंखा कूलर उन्होंने टफ कर दिया था मैच, ये बात है। लेकिन ये देखा जाए इंडिया की बी टीम भी नहीं बोलो भाई यार, मतलब बीच में बहुत न्यू प्लेयर थे, मतलब बहुत ज्यादा, और शिखर धवन सर की ऑलरेडी फॉर्म खराब थी, वो तो चल गए कल, हाँ भाई नहीं तो ऐसे तो उनकी फॉर्म खराब थी। 97 रन बनाए, लेकिन उनके खिलाड़ियों ने सही जमकर खेला है, इंडिया की टीम ने सही, इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेली है। हालांकि लास्ट में जब आउट हो गए ज्यादा ऊपर नीचे आउट, ऊपर था भाई ऊपर नीचे आउट हो गए, वरना 350 पक्का था। और शिखर धवन सर का यार 3 रन से सेंचुरी रह गई, हो जाती तो बहुत अच्छा था। लेकिन यार जो मंजूर हुआ बहुत अच्छा, उन्होंने चेस दिया, मतलब बहुत अच्छा टारगेट, बहुत अच्छा, मतलब ये 97 रन उन्हीं की वजह से 97 बने तो इंडियन टीम, मतलब और आप लोगों को यार बहुत बहुत ज्यादा इस चीज की मुबारक हो, इंडियन टीम झंडे गाड़ रही है मैं कहता हूँ। लेकिन यार मैं एक इधर बात वर्ल्ड कप का मजा इधर बात बोलूंगा, वेस्ट इंडीज टीम भी बहुत अच्छा खेली है, तो मतलब एक अच्छा मैच रहा ये। लेकिन उनकी एक स्ट्रांग टीम थी और इंडिया की बी टीम थी, तो ये भी भाई हमें नजर रखना चाहिए। बिल्कुल कि मतलब इंडिया की बी टीम इतनी स्ट्रांग है तो ए होती तो वो क्या करती, वो आप खुद वो जो इंग्लैंड के साथ किए फिर वही होता, तो 200 भी मुश्किल से बना रहे थे, और वही ना वो इंग्लैंड के साथ भी जो किया तो फिर वो आपको पता है भाई, वो तो इनको 200 भी नहीं बनाने देती। गाइस आप लोगों का क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में, तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।